नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। चुनावी कवरेज के दौरान हमसे कुछ बच्चे मिले हैं जो कि बहुत ही उत्सुक हैं चुनाव के बारे में, चुनाव के लेकर इनके जानकारियां हैं, इनके पास जानकारियां हैं किसको वोट करना है क्या नहीं करना है। हालांकि ये वोट नहीं दे पाएंगे, फिर भी इनके अंदर ये उत्सुकता है, ये अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों की जानकारी है। तो क्या नाम है छोटू आपका? मेरा नाम हर्षित है। हर्षित, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में हैं? सेवेंथ ए। तो स्कूल में पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ। टीचर आते हैं अच्छे से? हाँ। बड़े होकर क्या बनेंगे? आईएएस। हाँ, तो कलेक्टर बनेंगे। आपका क्या नाम है? मुजम्मिल। क्या बनेंगे बड़े होकर? पुलिस। किस क्लास में है? सेवेंथ ए। पढ़ाई अच्छी चलती है स्कूल में? हाँ। टीचर आते हैं समय से? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बार? अच्छा, इनसे भी बात कर लें। क्या नाम है छोटू आपका? कार्तिक। किस क्लास में पढ़ते हैं? सेवेंथ में। बड़े होकर क्या बनेंगे? आर्मी में जाएंगे। अच्छा, तो आर्मी में जाएंगे। स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ। टीचर अच्छे समय से आते हैं? हाँ। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से? हाँ। ये आम आदमी पार्टी, आप लोग के यहाँ के विधायक कौन है पता है? नो, नहीं पता है। अच्छा, ये कौन सा विधानसभा है? कोंडली में आता है स्कूल आपका? नहीं, कल्याणपुरी। अच्छा, चलिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। किस क्लास में पढ़ते हैं? सेवेंथ। और क्या बनेंगे बड़े होकर? आर्मी में जाएंगे। हाँ। फौजी बनेंगे। हाँ। देश की रक्षा करेंगे। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम क्या नाम बताया था आपने? हर्षित। तो अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कौन जीत रहा है। मोदी जी जीतेंगे हमारा पूरा सपोर्ट। फिर से कौन जीतेंगे? मोदी जी जीतेंगे हमारा पूरा सपोर्ट मोदी जी पे ही है। अच्छा, मोदी जी जीतेंगे। हाँ। घर में कितने वोटर हैं? घर में 4। और आम आदमी पार्टी को नहीं जिताएंगे? नहीं, हमें मोदी जीतना है, हमें मोदी को ही जिताएंगे। मोदी जी तो यहाँ से थोड़ी लड़ रहे हैं, मोदी जी को जिताएंगे। तब भी हम मोदी जी को जिताएंगे। यहाँ से वो लड़ ही नहीं रहे हैं तो जिताएंगे कैसे? वोट तो जाएगा ना यहीं से ही। मोदी जी को नहीं जाएगा? अरे जाएगा। राजकुमार ढिल्लो। हाँ, किरण मैथ जी को तो जाएगा। राजकुमार ढिल्लो को जिताएंगे हम। अच्छा, राजकुमार ढिल्लो को जिताएंगे। हाँ, तो हम लोग हर्षित से बात कर चुके हैं। अब हर्षित के कुछ दोस्त आए हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम करण है। करण? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को सुविधाएं सारी अच्छी मिल रही है स्कूल में? हाँ, मतलब दिल्ली की जो आम आदमी की सरकार है ना, उन्होंने यहाँ पे बहुत विकास करा है स्कूलों में। CCTV कैमरे लगवाए, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी कि जिससे छात्र अपने पढ़ाई में अच्छा कुछ कर सके। क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या नाम बताएगा दुका? जैसे एक तो CCTV कैमरे लगा, जिससे वो बच्चे जो खराब बच्चे थे वो अच्छे बच्चों को मारते थे, उन्हें पढ़ने नहीं देते, पढ़ने में डिस्टर्ब करते थे, और वो बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ करते थे जो और बच्चों को परेशानी दे देते। CCTV कैमरा लगने से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और वो अच्छी तरह पढ़ाई करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। कैमरे से पढ़ाई थोड़ी होगी, अब टीचर आते हैं कि नहीं समय से पढ़ाते हैं? हाँ, आते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, और आप लोग के स्कूल में और इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे वो आम आदमी पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि स्कूल में स्विमिंग पूल है और खेलने के लिए सारी सुविधाएं हैं। आप खेलने के लिए तो सारी सुविधाएं, लेकिन हाँ, स्विमिंग पूल तो नहीं है। स्विमिंग पूल नहीं है। और जो जो लेकिन स्पोर्ट मटेरियल आता है ना, वो खेलने के लिए किसी स्पोर्ट में आपका मिलती है? मेरा तो कबड्डी और वगैरह स्पोर्ट्स मटेरियल जितना आता है ये लोग खुद यूज करने लगते हैं टीचर। हाँ। आप लोग को नहीं देते हैं? जो हम लोग खुद भी लाते हैं वो भी रख लिया जाता है, फिर छुट्टी के टाइम मिलता है, कुछ कर भी नहीं पाते। छुट्टी के टाइम में ही नहीं खेलोगे? नहीं, छुट्टी के टाइम क्यों, आधी हाफ डे होता है ना, तो उसमें तो खेल ही सकते हैं। उसी के लिए तो हम लोग स्पोर्ट्स का पीरियड है कि नहीं? स्पोर्ट्स का पीरियड अभी तो नहीं लग रहा है सर्दियों की वजह से। लेकिन रिसेस का पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीजें होती है स्पोर्ट्स? पढ़ाई के अलावा तो अब सभी हो रहा है, इलेक्शन की वजह से सर ही नहीं आ रहे क्लास में। अच्छा, इलेक्शन की वजह से सर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं। और एग्जाम भी नजदीक है, बल्कि 1-2 हफ्ते होगा एग्जाम नजदीक है, सर को तो प्रैक्टिस करवाना चाहिए। मतलब इस टाइम क्लासेस खाली जा रही हैं? खाली जा रहा है। इस समय सर आते हैं
कोई काम कराते नहीं अपनी मर्जी से, कभी कोई बच्चा सेटा नहीं करे तो उससे क्वेश्चन दे देंगे, नहीं कर पाएगा तो मारेंगे। और बैठे रहते हैं बाकी सारे सर, सारे सर बैठे रहते हैं। क्या नाम है स्कूल का आपका? RSBV कल्याणपुरी। आज के सर्वोदय बाल विद्यालय कल्याणपुरी दिल्ली 91। अच्छा, टीचर्स आते नहीं हैं? आते हैं तो टीचर्स आते हैं, लेकिन अब उनकी ड्यूटी लग गई है ना। अच्छा, पिछले दो हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। और स्पोर्ट्स मटेरियल जितना आता है वो खुद यूज करते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, इनका कहना ये है ना? चाहते हैं वो खेलते हैं, स्कूल में हमारा सामान छीन लेते हैं। अच्छा, आप जो लेके आते हैं वो सब चीजें छीन लिए जाती है? हाँ, और टीचर या तो फिर टीचर आते हैं कहते हैं हमें खिलाओ। स्पोर्ट्स में आपका मन लगता है? हमारा क्रिकेट में और कबड्डी में। कबड्डी दोनों? कबड्डी। तो क्रिकेट और कबड्डी में आगे जाएंगे? हाँ। खेलते रहिए, अपने टीचर से बोलिए कि सर हमें कबड्डी में आगे बढ़ना है। जाते हैं, लेकिन कबड्डी तो खेल सकते हैं क्योंकि कबड्डी में कोई ऐसी एक तो क्रिकेट के लिए आपके स्कूल में ग्राउंड है? अच्छा है, जगह रहता है? सही है, सही है। हाँ, सही है। ग्राउंड तो है, टीचर आते कहते हैं हमें खेलने के लिए बॉल खेलो, एक एक बॉल करके करते पूरा जैसिस ले लेते और बाद में बोलते जाओ। इन लोगों की समस्याएं गंभीर है। बच्चों का कहना है कि स्कूलों में जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, और अभी तो चुनाव के वजह से कुछ टीचर नहीं आ रहे हैं पिछले दो हफ्तों से, और जो ये स्पोर्ट्स के लिए जो भी सामान अपने यहाँ से लेके जाते हैं वो चीज़ें ये लोग नहीं देते हैं, रख लेते हैं। और स्कूल की जो सामान आता है खेलने के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल जितना है वो खुद यूज करते हैं, बच्चों का ऐसा कहना है। सर आप कहाँ से हैं? मैं फोड़ा कॉलोनी से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? जी, किसकी सरकार आने वाली है? मेरे उससे मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, क्योंकि सर भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी हैं वो देश के हित के लिए चाह रहे हैं, वो किसी के मतलब ये आदमी के मतलब उसके लिए नहीं है। देश के हित तो ठीक है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पे भी तो काम होना चाहिए। ये भी तो कर रहे हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय उस पे है हमारे देश का नाम वो कर रहे हैं हर जगह पे, पहले आतंकवाद बहुत होता था। जनता का कहना है कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं करें, और लेकिन स्थानीय स्तर के लिए जो मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के वो ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? सर हमें तो कुछ नहीं लगा ऐसे, जैसे अभी बस में मतलब लेडीज फ्री कर रखा है, लेकिन ये करें जैसे जो विकलांग हैं या वृद्ध हैं जो नहीं वो कमाते हैं उनके लिए, लेकिन जो एक मतलब रोज के आपने नौकरी जॉब पे जा रही है 40-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वो भी फ्री ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो उससे तो महिलाओं के लिए है ना। चुनाव का माहौल क्या है? सही है, घर में बात तो होता है चुनाव के बारे में? बीजेपी को आने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी, 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 बीजेपी। हाँ, बीजेपी को, क्योंकि आम आदमी ने अभी कुछ 6 महीनों या 7 महीनों में कुछ काम करवाया, उससे पहले तो मेरे को नहीं लगता कि करवाया था, उससे पहले तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। सुनो, बात कर रहे छोटू, अच्छा बात कर रहा है, बोलिए छोटू। कि पहले तो आम आदमी ने कुछ कराया नहीं था, अभी 6 महीनों में 7 महीनों में करवाया है, जो करवाया है वाई फाई भी। हाँ, ये मानता हूँ कि 6 महीनों में करवाया है और जल्दी से जल्दी करवाया है, पिछले 5 सालों में कुछ नहीं करवाया मेरे हिसाब से, अभी करवाया, अभी 7 महीनों पहले, ये बात तो सच। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही करवाया है। हमारा कहना ये है कि जो केजरीवाल जी हैं वो लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, हमारा कहना ये। एक तरफ इन्होंने DTC बसों का किराया लेडीजों के लिए फ्री कर दिया, एक तरफ ऑटो वाले बेचारे बेरोजगार हो गए, एक तरफ तो एक जनता घट रही बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ तो बेचारा बेरोजगार हो रहा है ना इंसान। हाँ, ऑटो वालों को किराया, वो सवारी हाँ सवारी नहीं है बिल्कुल, बसों में भीड़ रहती है। और 3 महीने पहले इसलिए ये इन कामों को करा गया कि वोटरों को लुभाने के लिए, पानी बिजली की कोई शिकायत नहीं है, मगर ये केजरीवाल जी हैं जो लोगों को कमजोर बना रहे हैं, ये लोगों को मतलब कमजोर कर रहे हैं, जो मतलब फ्री देके कमजोर कमजोर कर रहे हैं, इनको फ्री ना देकर बल्कि लोगों को रोजगार देना चाहिए हमारी तरफ से। मुझे तो लगता भी नहीं है कि हाँ आगे फ्री रहेगी कि नहीं रहेगी। क्या माहौल है, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस या फिर बीजेपी? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए आप लोग। बीजेपी ने क्या क्या काम किया है अभी तक? बीजेपी ने अभी तो 5 साल तो वही थी, तो इसलिए बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। बीजेपी बताइए, बीजेपी ने जब भी बहुत कुछ किया है, केंद्र में रह गया, जो मनरेगा वाला सिस्टम चलाया है बहुत बढ़िया किया है, और सफाई अभियान, सफाई अभियान, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया, बहुत जमीनी स्तर पर दिख रहा है आप लोग को? हाँ, दिखता है, क्यों नहीं दिखता? और 370 को उसको हटाया, 35A को हटाया, जिसे जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे देश के हित मतलब
और जो संविधान है वहाँ पे भी इसी देश की तरह वहाँ पे भी लागू हो और वहाँ के देश भी अपने प्रगति कर सके, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय लोग, हाँ स्थानीय लोग प्रगति कर सके और जो काम रोजगार हो। देखिए इन बच्चों से बात करके लगा कि ये लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं और देश में क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य है और ये अपना भविष्य देख रहे हैं और अपने भविष्य के हिसाब से बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि